नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। जिसे सिर्फ सीधा उल्टा बनाने आता है वो भी इस डिजाइन को आसानी से बना सकता है। डिजाइन बहुत ही आसान और बनने पर बहुत सुंदर। इस डिजाइन को बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदे एक्स्ट्रा। ऐसे हम 8-8 फंदे गिनेंगे तो लास्ट में 5 फंदा आना चाहिए, तो ये डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ये डिजाइन सामने की तरफ से पड़ता है, तो यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में और रिश्तेदारों में इसे शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप इसी रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लें। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लिए गए। अब ये दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे सीधे ही बना लेंगे। पहला और दूसरा लाइन हमने सीधा सीधा बुन लिया। तीसरे लाइन से हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और 5 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 3 फंदा स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। नेक्स्ट 5 फंदा सीधा, तीन फंदा स्लिप करना है और लास्ट में 5 फंदे आएंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं चौथी लाइन पे, और इस लाइन में जितने बुने हुए फंदे हैं उन्हें हम वापस सीधा बुन लेंगे, यानी इन 5 फंदों को हम सीधा ही बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। हम दूसरी ओर करेंगे, 5 फंदा सीधा, 5 अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, 5 दूसरी ओर करेंगे, 5 फंदा सीधा। तो ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम पांचवे लाइन में अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। और रॉन्ग साइड छठी लाइन सभी फंदे सीधे ही बना लेंगे। सातवीं लाइन और सामने से और अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदा स्लिप करेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे और फिर सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को पूरी लाइन में दोहराएंगे, यानी अगले 3 फंदे हमें स्लिप करना है, फिर 1 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है, 1 फंदा सीधा, नेक्स्ट 3 फंदे स्लिप करने हैं और लास्ट फंदा सीधा। तो ये हमारा 7वां लाइन कम्प्लीट हो गया। 8वां लाइन और रॉन्ग साइड, तो बुने हुए सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे स्लिप करते जाएंगे। बुने हुए फंदे सीधे, स्लिप किए हुए फंदे स्लिप करते चले जाएंगे। इन्हीं 8 लाइनों में हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। अब फिर हम पहले से 8वें लाइन को ऐसे ही दोहराते चले जाएंगे और हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा।
देखिए कितना खूबसूरत है, बनाने में आसान और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।